पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट से भाजपा के जिला महामंत्री के तौर पर काम कर रहे कमल प्रजापति को भारतीय जनता पार्टी ने इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। भाजपा के कार्यकर्ताओं को जैसे ही ये सूचना मिली तो सभी भाजपा कार्यालय पहुंचे और कमल प्रजापति का फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और बधाई दी। कमल प्रजापति ने बताया कि वो लगातार 2003 से भारतीय जनता पार्टी के कमल के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने हर जगह भाजपा के कमल को ही देखा है। भाजपा का कमल खिलाने के लिए 2003 से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के वरिष्ठ नेतृत्व ने उन पर जो भरोसा जताया है उसके लिए वो शुक्रगुजार हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी मेहनत का फल भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उन्हें दिया है। तैयारियां फुल हैं, पार्टी ने पहले से ही तैयारी कर रखी है और हम सब लोग पहले से भारतीय जनता पार्टी के बैनर के लिए नीचे महामंत्री के रूप में पहले से कार्यरत थे और अब पार्टी ने हमको ये जिम्मेदारी दी कि 29 कुंदरकी से जाकर के जनता की सेवा करनी है और लोगों का विश्वास जीत करके जनमत के साथ विजय प्राप्त करके जनता की सेवा करनी। सन 2003 में मैं बूथ अध्यक्ष था पार्टी का और 2005 में मैं फिर से मंडल का मंत्री बना था और 2009 में फिर मैं मंडल का उपाध्यक्ष बना था और 2013 में सामाजिक न्याय समिति जो सामाजिक न्याय मोर्चा था हमारा उसका मैं जिले का महामंत्री बना था और 2015 में फिर से मैं भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चे का फिर से मैं महामंत्री बना और वर्तमान में इस समय 2020 से मैं पार्टी के साथ जिले के महामंत्री मेन बॉडी के रूप में कार्यरत हूँ। हमारी जो 5 वर्ष की सरकार चली है पीछे उस सरकार की जो योजनाएं और रचनाएं और जो भी जनता के बीच में कार्य किए गए हैं उन विकास के मॉडल को लेकर के हम कार्य करेंगे। हमारे जो पूर्व में वैसे विधायक रहे हैं हाजी रिजवान जी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को केवल गुमराह किया कि हमें पैसा नहीं दे रही है, हम कोई कार्य नहीं करा रहे हैं और वो उस चीज को लेकर भी हम जनता के बीच में जाएंगे क्योंकि सरकार ने तो सभी विधायकों को पूर्ण निधि दी है और उनकी निधि कहीं दिख नहीं रही है, कहीं कुछ नहीं है और कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी के साथ और जनमत के जो भी वोटर है वो सब भारतीय जनता पार्टी की ओर को देगा। मेरी कोई चुनौती किसी से नहीं है, केवल भारतीय जनता पार्टी ही जवाब, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के नाम से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 29 कुंदरकी जीती जाएगी। अभी भाई क्या लगता है आपको, अब कोरोना काल की बात कर रहे हैं आप तो कोरोना काल में वो कहीं नहीं दिखे। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता गरीब के घर घर जाकर के राशन पहुंचाने का काम किया और प्रत्येक भोजन बना करके पैकेट पहुंचाने का काम किया, विधायक जी कहीं दिखाई नहीं दिए। इसके अलावा एक सवाल मेरा सवाल ये है कि इस बार ये संगठन की जीत है, संगठन को समझा हुआ और वहाँ एक ऐसे व्यक्ति को भेजा गया जो संगठन के द्वारा जनता के बीच में बना है और आज जनप्रतिनिधि के रूप में बनेगा, निश्चित बनेगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता में आज उत्साह है, कुंदरकी विधानसभा में नहीं पूरे जिले और मंडल प्रदेश तक में उत्साह है कि छोटे से कार्यकर्ता को भी भारतीय जनता पार्टी टिकट दे सकती है और चुनाव लड़ सकती है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।